આ મામલે રાજકારણ પણ શરૂ થયું છે. ત્યારે વડોદરામાં એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓએ પાણીની પોટલીઓ બનાવીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્યારે રાજ્યમાં દેશી દારૂની પોટલીઓ વેચાતી હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તો સાથે જ મૃત્યુ પામેલા લોકોને આર્થિક સહાય આપવા માટેની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. તે ઉપરાંત એનએસયુઆઈએ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. જોકે 10 જેટલા કાર્યકર્તાની સયાજીગંજ પોલીસે અટકાયત કરી હતી. आज बड़ला एनएसयूआई ने दारू की पोटली में पानी भर के हमने विरोध किया. गुजरात में पानी पानी की तरह दारू बांटा जा रहा है. गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती, लेकिन फिर भी यहाँ दारूबंदी के होने के कारण भी यहाँ पे खुलेआम ड्रग्स मिलता है, दारू मिलता है. और आज उसी के खिलाफ आज एनएसयूआई बाहर निकला है. और हमारी ये बोटाद और धंधुका में जो लट्ठा कांड हुआ है उसमें से 55 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है. आज उसके खिलाफ हम लोग सब बाहर निकले हैं और सरकार और पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जिनका भी दोषी है उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी एक्सपायर हुए उनको मुआवजा मिले. यही एनएसयूआई की मांग है. आज हमने दारू की पोटली रोड पर फोड़ के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को जागृत करके आज हमने सरकार का विरोध किया है. 28 साल से ये सरकार आज गुजरात में राज कर रही है, फिर भी जो प्रश्न विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य के लिए, वही प्रश्नों के लिए ये सरकार नाकाम रहती है. आज इसी के लिए आज सब विद्यार्थी इकट्ठा और एकजुट हुए. સુરત જિલ્લાના બારડોલી વિસ્તારના કાયમી વિવાદમાં રહેલા માંડવી બસ ડેપોના વહીવટથી વધુ એક